कंटिन्यूअस स्टेटमेंट ये क्या करता है कि जब कोई भी कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्ट जो है स्किप कर देता है, जो नेक्स्ट पार्ट जो है ना स्किप करके डायरेक्ट जो कंट्रोल है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला वहाँ पे चला जाता है। जैसे अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 एंड आई प्लस प्लस एंड देन इफ आई इज इक्वल टू 2 देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर मैंने कर दिया, और यहाँ पे अगर बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 होगा आएगा चलेगा प्रोग्राम, आई इज इक्वल टू 2 हुआ, जैसे आई इज इक्वल टू 2 होगा, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है 2 जैसे होगा तो यहाँ वाले ये वाले लाइन एग्जीक्यूट नहीं की, जैसे आई इक्वल टू 2 कंटिन्यू तो ये डायरेक्ट कंटिन्यू मिला, यानी यहाँ चला जाए और क्या यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 होने के बाद फिर चेक करेगा बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हैश इंक्लूड हो गया हमारा मेन इंट आई फॉर आई इज इक्वल टू लेस देन 3। थोड़ा सा मिस हो रहा, यहाँ पे क्या है फॉर आई इज इक्वल टू लेन 1, आई लेस देन इक्वल टू 50, आई प्लस प्लस इफ आई इज इक्वल टू 3 एंड आई इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू प्रिंट एफ परसेंट डी। तो ये क्या प्रिंट करेगा, जैसे 1 हुआ, यहाँ का थोड़ा सा इसको ड्राई रन करके देखते हैं, यहाँ पे क्या है आई हमारा कितना है 1 है, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 1 आके प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि 1 हुआ इफ आई इज इक्वल टू 3 और आई इज इक्वल टू 5 नो, और तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो फिर क्यों, क्योंकि इफ के बाद ये कंटिन्यू है, यहाँ पे ब्रेसेज नहीं भी है लेकिन एक लाइन है तो इसी का पार्ट है, प्रिंट एफ आई क्या है 1, तो आई प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे 2 हो गया तो 2 यानी कंडीशन भी मैच नहीं कर रहा 2, फिर क्या करता है जैसे आई इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे एंड नहीं है तो और है, यानी कि एक भी अगर ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया, तो जैसे 2 3 होगा तो 3 जो वाला जो है पार्ट स्किप होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्रिंट आएगा, फिर तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 4, फिर आएगा यहाँ पे इसके बाद कंटिन्यू, हाँ 4 प्रिंट कर दिया एंड देन फिर गया 5, 5 करने के बाद यहाँ पे फिर क्या चेक करेगा कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो 5 ये भी ट्रू हो जाएगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा फिर ट्रू, तो फिर ये जैसे यहाँ पे 4 से आते हैं, 4 हुआ यहाँ पे गया 5, 5 गया चेक किया कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे कंडीशन ट्रू तो कंटिन्यू, तो दोबारा से कंटिन्यू यानी कि यहाँ पे आया कंट्रोल, तो 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर चेक किया फिर आया यहाँ पे 6 फॉल्स देन प्रिंट, तो यानी कि 1 2 4 6 7 8 ऐसे प्रिंट हो गया, यानी कि कौन कौन सा स्टेप स्किप हो गया 3 और 5। तो ये है हमारा कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, ये इस तरीके से वर्क करता है।